मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। बकरीद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बानी करेंगे दिल से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। आज ईद का है पहला दिन और आप देख सकते हैं ईद के पहले दिन मौसम कितना सुहाना है, कितना रोमांटिक मौसम है। मौसम हो और ईद का दिन हो तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। और आज वैसे भी कुर्बानी है, बड़ी बड़ी ईद है, 7:45 बजे नमाज है। उससे पहले हम रेडी हो चुके हैं, आप 7 बज रहे हैं तकरीबन। उसके बाद हम नमाज पढ़ के कब्रिस्तान विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर हम कसाई के साथ अपना जानवर ज़िबह करेंगे। और जानवर इतना खुशनसीब होता है कि सारे इतने जानवर खुशनसीब नहीं होते जितना कुर्बानी का जानवर होता है। जो आमतौर पर जानवर करते हैं वो जन्नत में इस तरीके से सैर नहीं करते जैसे कुर्बानी का जानवर करते हैं। और कुर्बानी का जानवर आपको आखिरत में अपने साथ पुल सिरात पार करवाने में आपकी मदद करता है। तो यही खासियत है हमारी कुर्बानी के जानवर की। और कुर्बानी का जानवर सब जानते हैं कि अपना सबसे खूबसूरत और दिलाज़ीज़ जानवर होना चाहिए। बस अब कुछ ही लम्हे बाकी है इस बकरे के कुर्बान होने में और ये अपना आखिरी खाना खा रहा है। कसाई आ चुका है और कसाई इसे पानी पिला रहा है ताकि ज़िबा होते वक्त इसका हलक सूखा ना हो। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर कुर्बान हो नहीं रहा और ये जानवर इंसानों से बहुत खुश नसीब है, डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं हम जन्नत में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। अब बस स्किन सेपरेट की जा रही है और बहुत खुश नसीब जानवर है, हमसे तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। हम तो इबादत करते हैं जन्नत के लिए लेकिन ये डायरेक्ट जन्नत में चले जाते हैं। अब कसाब जो है इनके पीसीस कर रहे हैं, पीसीस करने में भी बड़ा टाइम लगता है क्योंकि दो ही लोग हैं पीसीस करने के लिए। देर नहीं लगी, बहुत जल्दी पीसेस कर दिए कसाब ने बकरे के। बड़ी ईद का पहला दिन हो, घर पर कुर्बानी हो और बारबेक्यू ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये फर्स्ट बारबेक्यू है हमारे कुर्बानी के पहले दिन।